नमस्कार, मैं हूं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो हर साल इनकम टैक्स भरते हैं। जिस काम या बिजनेस में ज्यादा आय होती है उसी के आधार पर ही इनकम टैक्स भी भरना होता है। छोटे रोजगार से जुड़े लोगों को अक्सर आयकर नहीं भरना पड़ता है। ऐसे में बहुत से लोगों को ऐसे सेक्टर में काम करना पसंद होता है जिसमें इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है या फिर बेहद कम टैक्स भरना पड़ता है। इन्हीं में से एक सेक्टर है खेती बाड़ी, यानी कि किसानी करना। आजकल के प्रोफेशनल्स को खेती किसानी से जुड़ा सेक्टर काफी भाता है। पढ़े लिखे युवा भी नौकरियों की जगह इस फील्ड में आते दिख रहे हैं और साथ ही साथ अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं। इस फील्ड में आने का एक बड़ा कारण यह भी है कि इनसे जुड़े लोगों को आयकर कम देना पड़ता है या फिर कुछ मामलों में तो टैक्स नहीं भी लगता है। आप में से बहुत सारे लोग यह नहीं जानते होंगे कि किसानों को भी टैक्स भरना पड़ता है या फिर नहीं, और अगर लगता भी है तो खेती बाड़ी के बिजनेस में कितना टैक्स लगता है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किसानी के लिए टैक्स के नियम क्या क्या निर्धारित है। अगर आप भी इस सेक्टर से जुड़े हैं तो इसे जरूर सुने। पहले तो खेती से होने वाली कमाई के बारे में जानना जरूरी है। तो आपको बता दें कि खेती की जमीन को ठेके या फिर लीज पर देकर हुई कमाई और उस पर उगे फसल को बेचने से हुई कमाई इसके अंतर्गत आती है। अगर उगाए हुए फसलों से प्रोसेस्ड फूड तैयार करके उसकी बिक्री से कमाई होती है तो वह कृषि से बाहर के क्षेत्र की कमाई मानी जाएगी। जैसे कि कोई गन्ना किसान अपने गन्ने को सीधे तौर पर बेचे तो वह कृषि कमाई मानी जाएगी, जबकि उस गन्ने से गुड़ या फिर चीनी बनाकर बेचने पर वह एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा। यदि खेत की जमीन पर कोई इमारत बनाई गई हो और उसे खेती किसानी के लिए किराए पर दिया गया है तो वह भी एग्रीकल्चर दायरे में आता है। ऐसे में खेती से जुड़े जो आय एग्रीकल्चर इनकम के अंतर्गत आते हैं उन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। जी हाँ, उन पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10(1) के तहत खेती से होने वाली कमाई यानी कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स फ्री होती है। भारत में अधिकतर लोग अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर हैं। खुद हमारा देश भी कृषि प्रधान देश है, जहां खाने पीने से लेकर कई चीजों की सप्लाई कृषि से ही होती है। ऐसे में सरकार किसानों से टैक्स लेने के बजाय उन्हें ही तमाम तरह की सब्सिडी देकर और योजनाएं चलाकर उन्हें राहत देती है। खेती में फायदा और नुकसान दोनों है, क्योंकि बाढ़, बारिश और सूखा का असर किसानों के द्वारा उगाए जाने वाले फसलों पर पड़ता है। ऐसे में खेती से होने वाली कमाई को टैक्स फ्री रखा गया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में खेती की कई तरह की परिभाषाएं दी गई हैं, जिसके तहत ही निर्धारित होता है कि खेती की किस जमीन पर टैक्स देना पड़ता है या किस पर नहीं। जो जमीन खेती के लिए इस्तेमाल की जाती है उसे कैपिटल एसेट का हिस्सा नहीं माना जाता है। ऐसे में अगर कोई किसान खेत बेचता है तो उससे होने वाले इनकम को कैपिटल गेन में नहीं गिना जाता है और फिर उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। अगर कोई जमीन 10,000 वाली आबादी के म्युनिसिपैलिटी में पड़ती है तो वह जमीन खेत नहीं कहलाती है। ऐसे में कई नियम ऐसे हैं जिसके बाद उन पर टैक्स देना पड़ सकता है। हालांकि आपको बता दें कि खेतीबाड़ी के काम में सरकार की तरफ से मदद की जाती है, इसलिए फसल उपजाने वाले किसानों से टैक्स को नहीं लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।